हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजकिशोर सर आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ना है, वो भी आसान तरीके से, जिसका नाम है गोश्त प्रमेय। आइए दोस्तों, सबसे पहले गोश्त प्रमेय क्या होता है इसको जान लेते हैं, तब उसके बाद प्रूव करेंगे। हाँ दोस्तों, गोश्त प्रमेय को जानने के भी पहले, गोश्त प्रमेय को पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाने में बहुत मुझे मजा आएगा और आपको भी समझने में काफी मजा आएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं गोश्त प्रमेय। आज पढ़ते हैं गोश्त प्रमेय। गोश्त प्रमेय दोस्तों पहले लिख लेते हैं कि गोश्त प्रमेय क्या होता है, उसके बाद तो समझना ही है। तो आइए दोस्तों, कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक्स तल के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैद्युतता है। जानते हैं दोस्तों, अभी तो केवल लिखे हैं, अब जितना लिखे हैं इसमें एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा, ताकि गोश्त प्रमेय को पेपर में पूछ देना दोस्तों आप आराम से लिख लेंगे। तो दोस्तों कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक्स तल के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यहां पर भी देखिए कुल और यहां पर भी कुल, यहां पर कुल विद्युत फलक्स और यहां पर कुल आवेश। दोस्तों गोश्त प्रमेय में तो यही तो आपको समझना है, इसी पर तो फोकस करना है दोस्तों, तब न जाकर आप गोश्त प्रमेय को अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा, यानी कुल विद्युत फलक्स और कुल आवेश दोनों का क्या रिलेशन बैठता है, क्या रिलेशन बनता है, इसको बारीकली रूप से हमें समझना है। तो आइए दोस्तों पहले मैं फिगर के द्वारा मैं बता दूं कि गोश्त प्रमेय क्या है, कि आपको इसको आपको याद ना करना पड़े, केवल आप देखकर ही बोल देंगे। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि ये गोश्त प्रमेय क्लोज सरफेस के लिए पढ़ते हैं, नाम है क्लोज सरफेस। जानते हैं दोस्तों क्लोज सरफेस क्या होता है, जो त्रिविमीय आकृति होते हैं, जैसे गोला हो गया, क्यूब हो गया, एक क्लोज सरफेस होता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गोश्त प्रमेय क्या है। दोस्तों अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, देखिएगा दोस्तों ये प्लस क्यू चार्ज है और हमें एक क्लोज सरफेस लेना है। चलिए इसके चारों तरफ मैंने बना लीजिए यहां पर देखिएगा दोस्तों एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के रूप में मैंने आकृति में मैंने एक त्रिविमीय आकृति है, एक क्लोज सरफेस है। तो चलते हैं, त्रिविमीय आकृति है, एक क्लोज सरफेस है, एक गोला है, जो भी त्रिविमीय आकृति होता है वो क्या होता है, क्लोज सरफेस ही होता है। दोस्तों दिमाग से हटाइएगा मत, ठीक है, ये क्या होगा, क्लोज सरफेस होता है। चलेंगे अब दोस्तों देखिए गोश्त ने क्या बताया, यहीं पर समझ लीजिए कि किसी बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फलक्स, मतलब इस तल से कितना विद्युत फलक्स होगा, गुजरने वाला कितना विद्युत फलक्स होगा, कैसे मेजर करेंगे। दोस्तों वही तो बात बताया कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक्स, जिसको हम फाई कहते हैं, देखिएगा एक कुल विद्युत फलक्स फाई है, कैसे निकालेंगे।
तो इस तल के भीतर स्थित कुल आवेश, तो इस तल के भीतर स्थित कुल आवेश क्या है Q, आपका कितना गुना होता है तो एक बटा एप्साइलेंट गुना होता है। तो दोस्तों फाइव बराबर क्यू एकम क्यू अब बटा क्या होगा एप्साइलेंट नॉट होगा। तो दोस्तों यही रहा जो फाई यानी वेयर जहां आपको फाई दिखाई दे रहा है ए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दोस्तों, ए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब चलिएगा इसको मैं पढ़कर बता दे रहा हूं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक क्यू चार्ज जो है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से, एक बंद तल है, किसी बंद से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस तल से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी तल के भीतर, देखिए तल के भीतर जो चार्ज है, तल के भीतर स्थित कुल आवेश का एक बटा एप्सिलॉन गुना होता है। तो इस प्रमेय को क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। यानी गॉस का प्रमेय सीधे एक ही बात को बता रहा है यहां पर कि इस तल से निकलने वाला कुल विद्युत फलक से निकालनी हो तो इस तल के भीतर जो भी चार्ज है उसमें एप्सिलॉन नॉट के मान से आप भाग दे दें तो इस तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फलक निकल जाएगा। यही तो बात गॉस प्रमेय ने बताया जो आपको भी समझ में आ गया होगा। गॉस ने बताया कि किसी बंद तल से निकलने वाला या किसी बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं तो उस तल के भीतर जो भी चार्ज दिया है उसमें क्यू नॉट के मान से भाग दे देते हैं तो उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। इसी प्रमेय को गॉस प्रमेय कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसको मैं मिटका दे रहा हूं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, एक से दो बार वीडियो को पॉज कर आप देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहां से मैं इसको मिटका दे रहा हूं। अब आइए गॉस प्रमेय को प्रूव कर लेता है, प्रूव कर लेते हैं और गॉस प्रमेय में क्या क्या बातें हो सकती है सारी की सारी बातों को इसी वक्त समझेंगे, आप देखते रहिए। दोस्तों चलिएगा यहां पर एक छोटा सा सरफेस यानी कुल फ्लक्स की बात करता है, पहले छोटा सा एक सरफेस इंक्लूड कर निकाल लेते हैं। एक छोटा सा फ्लक्स ले लिए, एक छोटा सा सरफेस ले लिए, यहां पर छोटा सा फ्लक्स चाहिए। एरिया वेक्टर तो सतह के लंबवत होता है यानी डीए वेक्टर, आइए क्या होता है केंद्र के अनुदिश होता है, चलेंगे। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी लाइन पर शो करेगा ई वेक्टर, चलते हैं। तो यहां पर छोटा सा फ्लक्स क्या होगा आप बताइए ना, छोटा सा फ्लक्स, फ्लक्स का तो सूत्र पहले ही से आप जानते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। तो डी फाई बराबर क्या हो गया ई डी ए कॉस थीटा हो गया। तो यहां पर d फाइव बराबर e और डी ए cos थीटा, तो दोनों तो एक ही पर शो कर रहा है तो थीटा के मान जीरो डिग्री, तो d फाइव बराबर क्या हो गया e इंटू डी ए हो गया। जानते हैं सर इस सतह के लिए छोटा सा फ्लक्स कितना मिला, e इंटू डी ए मिल गया। अगर यही छोटा सा सरफेस यहां पर रख दे तब भी आपका क्या होगा, ये बाहर की तरफ लंबवत होगा डीए वेक्टर, आई वेक्टर इसी दिशा में होगा, सेंटर से मिलाते हैं यहां पर भी, तो अब बताइए यहां पर भी क्या होगा यानी छोटा सा फ्लक्स इनटू डीए होगा, यहां पर भी तो क्या होगा बताइए, तो यही होगा क्या जी बताइए, यही होगा क्या, यहां पर भी तो यही होगा, यहां पर भी यही होगा। अब समझिएगा कि अब हमें कुल फलक से निकालनी है तो यहां पर पूरे को जोड़ना होगा, तो स्पष्ट है कि इस छोटे फलक्स को यानी कुल फलक से निकालने के लिए छोटे से फलक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, वो भी सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर एस और क्लोज है तो यानी रेखा समाकलन का प्रयोग कर लेंगे। तो आइए दोस्तों यहां पर फाइव बराबर डी फाइव, तो क्या हो गया ई इंटू डी ए, तो बताइए फाइव बराबर। अब दोस्तों एक बात को समझना होगा कि इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये तो डिस्टेंस आर, ए भी आर, आर त्रिज्या हो गया चूंकि गोला इनका त्रिज्या होगा, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जितना इंटेंसिटी होगा, इस चार्ज के कारण इतना दूरी पर इंटेंसिटी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी समान होगा, चूंकि रेडियस चार्ज तो वही है और समान दूरी पर है गोला है, तो यहां पर भी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी यही होगा, यानी एक कांस्टेंट होगा, इसलिए ई को बाहर निकाल लेंगे। अब रेखा समाकलन क्या मिलेगा डी ए, तो दोस्तों फाइव बराबर यहां पर ई और समाकलन डी ए के लिए क्या होगा ए, तो फाइव बराबर, अब बताइए इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर निकालना हो तो एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर। जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैसे जानते हैं कि अगर ये कोई चार्ज है क्यू
और इसे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो e बराबर 1/4πε0qr2, जो अब इस समझ में आ गया होगा। और गोला का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr2, 4π से 4² कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो 5 बराबर क्या होगा, q/ε0। दोस्तों यही तो गॉस प्रमेय होता है जो आपके आंख के सामने मैंने प्रूव भी कर दिए, आपको फिगर भी बने समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि गॉस प्रमेय में क्या क्या विशेष बातें हो सकती है, इसको समझते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटका दे रहा हूं दोस्तों। अब चलिएगा गॉस प्रमेय में बहुत बड़ा बड़ा चीज बता रहा हूं। गॉस प्रमेय में बताएं कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ध्यान देना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ ही टोटल चार्ज, इन दोनों में कुछ संबंध होता है टोटल चार्ज। बताए ना, इस दो पॉइंट पर आप विशेष ध्यान रखिएगा गॉस प्रमेय में। जैसे यहां पर मैंने क्लोज सरफेस बना ली, चलो क्लोज सरफेस है, अगर यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, तो इस बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो 5 बराबर, याद करिए गॉस प्रमेय हमने बताया कि कुल आवेश यानी तल के भीतर कुल आवेश, तो कुल आवेश का अर्थ क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे यानी Q1 प्लस Q2 को एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे, तो इस तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो मैंने बताया ना कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बात जरूर आएगा गॉस प्रमेय में, और टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के बारे में समझे कि इस तल के भीतर जो भी चार्ज है उसको ऐड कर देंगे अगर प्लस में है तो, और क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो इस तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। एक तो बात और आपको बताएंगे दोस्तों, काफी रोचक, काफी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में भी पूछता है, यहां तक जी मेन के एग्जाम में भी पूछता है कि कहता है कि किसी बंद तल के भीतर इलेक्ट्रिक डायपोल को स्थित, किसी बंद तल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए तो उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। बारह रुआता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। देखिएगा, अगर यहां पर क्लोज सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिए, जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल उसी को कहते हैं जिस पर आवेश का परिमाण समान होता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। अब जैसे हम कहें कि देखिए -5 कूलम चार्ज और यहां पर +5 कूलम चार्ज, हम कहें कि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल को निरूपित करता है, जरूर करता है, क्योंकि क्या है, आवेश का परिमाण समान लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर यहां पर 5 कूलम और यहां पर 8 कूलम कर दे तो इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण नहीं करता है। तो दोस्तों किसी बंद तल के भीतर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल स्थित है तो इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना प्लस में चार्ज है उतना माइनस में चार्ज है, तो क्या होगा, 0 / एप्सिलॉन नॉट, तो 5 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा कि क्या याद रखना है कि बंद तल के भीतर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्थित कर दिया जाए तो इनसे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अगर बताइए, अगर यहां पर, अब तो ये आपको समझ में आ गया। और एक बात गॉस प्रमेय में समझते हैं कि दोस्तों अगर इस आकृति को, इस त्रिविमीय आकृति को छोटा कर दे, आकृति को छोटा कर दे तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, या इस आकृति को बड़ा कर दे तो इसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। दोस्तों आकृति छोटा हो, एक क्लोज सरफेस छोटा हो या बड़ा हो, यानी विद्युत फ्लक्स निकालेंगे चार्ज वही रहे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ना कि गॉस प्रमेय आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, तो मेरे वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, एक तो सब्सक्राइब भी बनता है, लेकिन दोस्तों शेयर एक नहीं बनता है, शेयर बहुत बनता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।